नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं दी लल्लनटॉप शो। आज के शो में बड़ी खबर है मी टू, एक हैशटैग जिसने हमें बताया कि महिलाएं किस कदर गुस्से से भरी हैं और अब वो सच को बाहर लाने से हिचकने वाली नहीं है। मी टू क्या है ये? सिर्फ एक हैशटैग जिसे डालने से लोग आपके पोस्ट को ढूंढ सकेंगे? नहीं, ये अपने आप में एक मुकम्मल वाक्य है। इसे एक हैशटैग के जरिए जिन महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का यौन शोषण यानी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है या किसी पुरुष कर्मी की वजह से उसे वर्कप्लेस में या निजी मौके पर असुरक्षा महसूस हुई है, वे सामने आकर या फिर अपनी पहचान जाहिर ना करते हुए बता रही हैं कि मी टू यानी मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। अभी भारत में हर तरफ ये मसला छाया है। जाने माने सेलिब्रिटी और मजबूत जगहों पर बैठे लोगों के नाम इसमें सामने आ रहे हैं। भारत में अब तक किस किस पर ये आरोप लगे हैं पहले आप जान लीजिए। शुरुआत नाना पाटेकर से हुई, क्विक रिकैप उनके मामले का, फिर दूसरे नामों का उद्घाटन करते हैं या उनके ब्यौरे बताते हैं। नाना पाटेकर 40 साल से एक्टिंग कर रहे हैं, पद्मश्री मिल चुका है। क्रांतिवीर, प्रहार, खामोशी, अब तक 56 और नट सम्राट जैसी फिल्मों में इन्हें देखा गया। इंडिया में मी टू मूवमेंट की शुरुआत इन्हीं के मामले से हुई। तनुश्री दत्ता ने 25 सितंबर 2018 को एक इंटरव्यू में कहा कि 10 साल पहले यानी 2008 में फिल्म हॉर्न ओके प्लीज के सेट पर एक गाने की शूटिंग के दौरान नाना पाटेकर ने उनको गलत तरीके से छूने की कोशिश की। तनुश्री ने यह भी कहा कि कोरियोग्राफर के साथ मिलकर नाना ने गाने में कुछ इंटीमेट डांस स्टेप डलवाए। 10 साल पहले कोई मी टू नहीं था इसलिए मामला खत्म हो गया, लेकिन तनुश्री के इस इंटरव्यू से ये उठ गया। बहुत सारे लोग उनके सपोर्ट में सोशल मीडिया पर आए। नाना पाटेकर ने सोमवार 8 अक्टूबर को अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें ये कहा, ये 10 साल पहले जो बोला था वही बोला, क्या बोलना, कल जो सच था वो आज सच है, आज जो सच है वो कल सच ही रहेगा, वो तो बदलते नहीं रहे। नाना ने तनुश्री को लीगल नोटिस भेजा है। तनुश्री ने उनके खिलाफ पुलिस में लिखित शिकायत दी है। सिनेमा और टीवी वर्कर्स की संस्था सिंटा ने मामले की जांच फिर से करने का इरादा जताया है। दूसरा नाम ये भी सिनेमा की फील्ड से जुड़ा है, इस बार डायरेक्टर है विकास बहल, क्वीन और शानदार जैसी फिल्मों के डायरेक्टर, फैंटम फिल्म्स नाम की बड़ी प्रोडक्शन कंपनी के मालिक। साथ में हैं तीन पार्टनर, अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवाने और मधु मंटेना। 2011 में फैंटम फिल्म्स बना। साथ में हैं कहा मैंने, दरअसल कहना चाहिए था कि साथ में थे, क्योंकि अब ये कंपनी खत्म कर दी गई है। ये कंपनी जब थी फैंटम फिल्म्स, तब इसकी एक क्रू मेंबर ने बताया था कि जिस साल बॉम्बे वेलवेट रिलीज हुई उससे पहले प्रमोशनल टूर के दौरान विकास बहल ने एक रात शराब के नशे में उनके साथ जबरदस्ती की। वो लड़की उस वक्त चोटिल थी और क्रिचेस के सहारे चलती थी। शराब के नशे में धुत विकास बहल ने लड़की का यौन शोषण किया, गालियां बकी और चले गए। 2015 में लड़की ने इसकी शिकायत फैंटम फिल्म्स में विकास के पार्टनर और डायरेक्टर अनुराग कश्यप से की। 2 साल तक कुछ नहीं हुआ। उस लड़की का कहना है कि विकास उसके बाद भी तंग करते रहे। विकास ने इस मामले पर कुछ नहीं बोला, फैंटम फिल्म्स बंद कर दी गई। एक न्यूज में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि विकास बहल की आने वाली ऋतिक रोशन स्टारर सुपर 30 की एडिटिंग पूरी होने के बाद उनको उस फिल्म से भी अलग कर दिया जाएगा। ये भी खबर है कि अमेजोन की एक सीरीज जो विकास डायरेक्ट करने वाले थे उससे उनको हटा दिया गया है। अनुराग कश्यप और विक्रमादित्य मोटवानी ने सोशल मीडिया पर इस पूरे प्रकरण को लेकर अपना गुस्सा और अपनी सफाई दोनों पेश की हैं। इस सूची में तीसरा नाम है चेतन भगत का। आईआईटी और आईएम से पढ़े, राइटर बन गए, बेस्ट सेलिंग नॉवल लिखे, नॉवेल्स पर 3 इडियट्स, काय पोछे, 2 स्टेट्स जैसी फिल्में बनी। इसके अलावा अखबारों में कॉलम लिखते हैं और सोशल पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं। एक अज्ञात महिला ने व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट्स दिखाए जिसमें चेतन ललचाते हुए और फ्लर्ट करते हुए दिख रहे हैं। वो महिला जब कहती है कि बाकी सब शादीशुदा मर्दों की तरह मत करो, तुम इससे बेहतर हो, तब भी चेतन अपने मूड से बाहर नहीं आ पाते। चेतन ने माना है कि ये आरोप सही हैं और एक लंबी फेसबुक पोस्ट में उन्होंने इस महिला से और अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी और ये भी लिखा कि मेरा उस महिला के साथ किसी भी किस्म का शारीरिक संपर्क नहीं था। लिस्ट में चौथा नाम रजत कपूर, 30 साल का फिल्मी करियर, आखिरी फिल्म थी मुल्क। इसके अलावा कपूर एंड सन्स, दिल चाहता है, भेजा फ्राई जैसी फिल्मों में दिखे हैं। आंखों देखी, मिथ्या और रघु रोमियो जैसी फिल्मों के राइटर डायरेक्टर भी हैं। रजत पर 2 महिलाओं ने इल्जाम लगाए। एक महिला जर्नलिस्ट ने कहा कि 2007 में जब वो फोन पर इंटरव्यू ले रही थी तब रजत ने उनके शरीर का फिगर पूछा, ये भी कहा कि क्या तुम उतनी ही सेक्सी हो जितनी तुम्हारी आवाज़ है। दूसरी महिला ने कहा कि 10 साल पहले एक फिल्म में डायरेक्टर रजत को असिस्ट कर रही थी तो उन्होंने कई बार उनसे पूछा कि क्या वे कोई ऐसा खाली घर जानती हैं
जहां हम दोनों अकेले शूट कर सकते हैं। रजत के खुद के पास फोन नहीं था तो वे अपने दोस्त और एक्टर सौरभ शुक्ला के फोन से बार बार कॉल करते थे। रजत ने इसके जवाब में ट्विटर पर माफी मांगी है और कहा है कि वो हमेशा अच्छा इंसान बनना चाहते हैं और इसकी कोशिश हमेशा की है, आगे और ज्यादा कोशिश करेंगे। लिस्ट में पांचवा नाम कैलाश खेर, सिंगर, पद्मश्री, मंगल पांडे, खोसला का घोसला, दम लगा के हईशा जैसी फिल्मों में गाने गाए। फोटो जर्नलिस्ट नताशा ने कहा कि वे 2006 में अपनी कलीग के साथ इंटरव्यू के लिए कैलाश के घर गई थी। वहां पूरी बातचीत में कैलाश बहाना ढूंढकर नताशा की जांग पर हाथ रखते रहे। नताशा ने कहा कि इससे वो परेशान हो गई लेकिन कुछ कर नहीं सकी। कैलाश ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि मेरी खुशियां छीन ली गई हैं, मुझे ऐसा कोई वाकया याद नहीं जिसका जिक्र यहां किया जा रहा है। मैं अपनी ही सिंपल दुनिया में रहने वाला आदमी हूं, लेकिन फिर भी किसी को किसी बात को लेकर कुछ और फील हुआ हो तो मैं माफी मांगता हूं। छठवां नाम जुल्फी सईद, एक नामी मॉडल हैं और बिग बॉस कंटेस्टेंट भी रह चुके हैं। 2005 में फिल्म आई थी ताजमहल, उसमें लीड रोल में थे। फोटो जर्नलिस्ट नताशा ने कहा है कि एक क्रूज लाइनर के पीआर इवेंट के दौरान जुल्फी ने अपने कमरे में उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। नताशा अपना फोन जुल्फी के कमरे में चार्ज करने के लिए छोड़ गई थी, जब वापस गई तब यह हरकत हुई। जुल्फी ने इस मामले पर अभी तक चुप्पी नहीं तोड़ी है। सवाल उठ सकता है कि मीटू की जरूरत क्या थी। मीटू का महत्व इसलिए है क्योंकि भारत की कोई भी संवैधानिक संस्था चाहकर भी महिलाओं व लड़कियों के लिए सेफ वर्क एनवायरनमेंट नहीं बना पाई है। मीटू इस काम में काफी सफल हो सकता है। पुरुषों में एक जरूरी डर बिठा सकता है कि वे अपनी हद में रहें वरना भरी महफिल में उन्हें घसीटा जाएगा और कानूनी कार्रवाई होगी, सो अलग। 1997 से पहले भारत में वर्क प्लेस में यौन हिंसा के मामले को हैंडल करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। कोर्ट के दो फैसलों से इसकी नींव पड़ी। विशाखा जजमेंट से इसकी शुरुआत हुई। ये मामला था 1992 में राजस्थान की एक सोशल वर्कर भवरी देवी के साथ हुए गैंगरेप का। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में बाल विवाह रोकने की कोशिश की, जिस पर ऊंची जाति के लोग नाराज हो गए और उनके साथ गैंगरेप किया। तब विशाखा और कुछ दूसरे समूह मिलकर कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि वर्क प्लेस पर महिलाओं को सही मायनों में बराबरी की गारंटी देने के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अपनाना जरूरी है। फिर 13 अगस्त 1997 को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने विशाखा फैसला दिया। इसमें विशाखा गाइडलाइंस दी गई कि वर्क प्लेस में यौन उत्पीड़न को कैसे डिफाइन किया जाए और क्या किया जाए। ये भी कहा गया कि जो पुरुष बाज नहीं आएंगे उन्हें कानून सजा देगा। विशाखा गाइडलाइंस में बताया गया कि ये सभी केसेस सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंडर में आएंगे। कौन से केसेस? नंबर 1, गलत तरीके से किया गया शारीरिक संपर्क, 2, सेक्सुअल फेवर्स मांगना, 3, भद्दी टिप्पणियां, 4, पोर्नोग्राफी या उससे जुड़ा कोई मटीरियल दिखाना, और 5, किसी भी तरह का गैर मर्यादित शारीरिक या गैर शारीरिक संपर्क। विशाखा गाइडलाइंस आने के बाद नेताओं ने अपना काम करने में 16 साल लगा दिए। 2013 में संसद ने महिलाओं के साथ वर्क प्लेस में यौन शोषण रोकथाम निषेध निवारण विधेयक लाया गया। हालांकि इस कानून में भी कमियां थी। पहली तो ये कि महिला कर्मी को घटना के 3 महीने के अंदर शिकायत करनी होगी। दूसरा ये कि अगर शिकायत झूठी निकली तो उसे सजा होगी। आप कहेंगे ये कैसी कमी है कि शिकायत झूठी निकली तो सजा होगी। दरअसल कई मामलों में महिलाएं ये साबित नहीं कर पाती सबूतों के अभाव में और फिर उन्हें जिल्लत झेलनी पड़ती है। वर्क प्लेस में शोषण इतनी तरह का होता है कि कानून सबकी मदद नहीं कर पाता। बहुत मामलों में महिला अपनी पहचान जाहिर करने की स्थिति में नहीं होती। ऐसे में मीटू जैसे कैंपेन काम आते हैं। यहां वो अपनी सुरक्षा से और पूरे सम्मान के साथ बोल सकती हैं। जिन लोगों को इस कैंपेन के बारे में नहीं पता है उनको एक क्विक रिकैप करा देता हूं कि ये मीटू शुरू कहां से हुआ। इसकी शुरुआत हुई हॉलीवुड से। सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल दरअसल 2006 में अमेरिकी सिविल राइट्स एक्टिविस्ट तराना बर्क ने किया था, लेकिन अक्टूबर 2017 में ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। 11 साल बाद आंदोलन की शक्ल ली इस मीटू ने। क्या हुआ था ऐसा? एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार है अमेरिका का, न्यूयॉर्क टाइम्स, उसने हॉलीवुड के एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर हार्वी वाइनस्टीन को लेकर खुलासे किए कि कैसे वो दशकों से महिलाओं का यौन शोषण कर रहे थे, एक्ट्रेसेस का और दूसरे महिलाओं का। एक हफ्ते के अंदर हार्वी को उनकी कंपनी से निकाल दिया गया, उनका करियर खत्म हो गया और इसके बाद सिलसिला चल निकला। हॉलीवुड के अलावा अमरीका के हर क्षेत्र में मीटू कैंपेन फैला। टाइम्स अप जैसे मूवमेंट भी शुरू हुए। दशकों से ताकतवर पदों पर जो लोग बैठे थे उनके बारे में पीड़ितों ने खुलकर बोलना शुरू कर दिया। और चलते चलते जान लीजिए एक बकवास जो मी टू से नहीं ही टू से जुड़ी हुई है। जी, एक और हैशटैग शुरू हो गया है जो छिछलेपन से भरा है, जिसमें ऐसे पुरुष लिख रहे हैं
जिन्होंने कहा है कि ये मीटू एक ढकोसला है। उनका कहना है कि ये हैशटैग लाइक और शेयर बटोरने का तरीका भर है। वो कहते हैं कि बड़े बड़े लोग लड़कों को भी तो परेशान करते हैं। हालांकि इस दौरान किसी भी पुरुष जर्नलिस्ट, सोशल मीडिया यूजर, एक्टर का ऐसा बयान नहीं आया है जिसमें किसी महिला सेलिब्रिटी ने उनका शोषण किया हो और वो दावे के साथ ये बात कह पा रहे हों। भविष्य में अगर आते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि महिलाओं के खिलाफ हुए कुकर्मों के अनुपात में उनकी संख्या बहुत कम होगी। फिर भी वो अपराध होगा और उसमें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो हीटू जैसे हैशटैग चला रहे हैं, ये मूर्खता कर रहे हैं। अरे भैया, मेरे मीटू में हम सब शामिल हैं। मीटू जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, एक पुरुष भी और एक महिला भी। अंग्रेजी में आप खुद को भी मी कहते हैं और एक महिला भी अपने आप को मी कहती है। इतना लोड मत लीजिए, एक बड़ा आंदोलन है, उसकी बारीकियों को और उसकी स्प्रिट को समझिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक से लौटेंगे तो करेंगे पड़ताल, योगी आदित्यनाथ की वायरल हो रही तस्वीरों का सच जानेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है दी लल्लनटॉप शो में। अब बारी पड़ताल की। आज हमारी पड़ताल में है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें। उनकी ये तस्वीरें हैं हाल ही में पुलिस की गोलियों का शिकार बने विवेक तिवारी की पत्नी के साथ। कथित तौर पर सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है। असल में ये चार तस्वीरों का कोलाज है। इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ एक महिला दिख रही है। लोगों का कहना है कि ये मृत विवेक की पत्नी कल्पना तिवारी हैं। तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों के साथ लिखा गया है, विवेक तिवारी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी कल्पना तिवारी के ऊपर जो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, वो इस तस्वीर में साफ झलक रहा है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो लोगों को लग नहीं रहा है कि विवेक की पत्नी को कोई दुख है, और लोगों को इसी बात का सबसे ज्यादा दुख है। ऐसे सभी लोगों को मैं बता दूं कि ये तस्वीरें झूठी हैं। असलियत क्या है, लल्लनटॉप की पड़ताल में पता चला। दरअसल तस्वीर में नजर आ रही महिला कल्पना तिवारी नहीं है। जी, ये इतनी ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड पड़ताल है। यहाँ जो महिला योगी आदित्यनाथ के साथ दिखाई दे रही हैं, उनका नाम है पूनम महाजन, बीजेपी नेता प्रमोद महाजन की बेटी और टीवी पर कभी दिखने वाले राहुल महाजन की बहन, भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद पूनम महाजन। ये तस्वीरें असल में खेलो भारत कार्यक्रम की लॉन्चिंग की हैं, जो कि 7 जुलाई 2017 को हुआ था। ये भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यक्रम था, जिसकी सदारत पूनम करती हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। कार्यक्रम के दौरान पूनम और योगी दोनों मंच पर अगल बगल बैठे हुए थे। इसी मौके की तस्वीरों का इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया पर कल्पना का चरित्र हनन करने की घिनौनी कोशिश की जा रही है। ऐसी सारी कोशिशों को, जो सत्य को ढांपने की जरूरत करती हैं, पलीता लगाएगी दी लल्लनटॉप की पड़ताल। अगर आपके पास भी कोई तस्वीर, वीडियो, खबर या व्हाट्सएप मैसेज है जिसकी सत्यता पर आपको संदेह है, तो पड़ताल के लिए भेजिए हमें। हमारा पता है lallantopmail@gmail.com। और अंत में जाते हुए आलोक धनवा की कविता भागी हुई लड़कियां का ये हिस्सा सुनिए। अगर एक लड़की भागती है तो ये हमेशा जरूरी नहीं है कि कोई लड़का भी भागा होगा। कई दूसरे जीवन प्रसंग हैं जिनके साथ वह जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। महज जन्म देना ही स्त्री होना नहीं है। तुम्हारे उस टैंक जैसे बंद और मजबूत घर से बाहर लड़कियां काफी बदल चुकी हैं। मैं तुम्हें यह इजाजत नहीं दूंगा कि तुम उनकी संभावना की भी तस्करी करो। वह कहीं भी हो सकती है, गिर सकती है, बिखर सकती है, लेकिन वह खुद शामिल होगी सब में। गलतियां भी खुद ही करेगी, सब कुछ देखेगी शुरू से अंत तक, अपना अंत भी देखती हुई जाएगी। किसी दूसरे की मृत्यु नहीं मरेगी। कविताएं पढ़िए और उनको जीवन में उतारने की कोशिश भी करिए। दी लल्लनटॉप शो में एक बार फिर से कल आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।